जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, देखो यार भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ठीक है ना। ये हमारे संदीप भाई हैं और हम लोग के साथ ही रनिंग करते थे, मतलब इनका घर उत्तराखंड है, कभी यहाँ आते थे तो हम लोग के साथ ही रनिंग करते थे। आज फाइनल इनका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है यार, तो कैसे कैसे इनका ज्वाइनिंग हुआ, जैसे हम लोग सोचते हैं ना पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आज से मतलब 4 महीना पहले 5 महीना पहले ये भी सोचते थे, लेकिन फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया यार। तो मतलब कैसे कैसे हुआ है मैं सारा कुछ आप लोग को बता रहा हूँ, जरूर कुछ इस वीडियो से आप लोग को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। भाई आप लोग की तैयारी कैसी चल रही यार, देखो आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है ना। अभी ये जो भाई दिख रहे हैं इनका नाम संदीप है, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया यार। कैसे कैसे हुआ है मैं आप लोगों को सारा कुछ बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखना, ठीक है ना। ये जैसे हम लोग मेहनत करते हैं ना, अभी मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा मतलब सोचते रहते हैं पता नहीं हम लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कुछ ऐसे ही मतलब इनका भी कहानी है, तो मैं सारा कुछ आप लोग को बता रहा हूँ जैसे तैयारी करना अपना स्टार्ट किए थे, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, ठीक है ना। देखो यार भाई जैसे पता है इनका मतलब जो घर है ना, आप लोग सोच रहे हो कि अभी तो मतलब भर्ती आई नहीं है तो कैसे इनका सिलेक्शन हो गया, तो देखो यार भाई ये मतलब इनका घर जो है ना उत्तराखंड है, और वहीं पर मतलब सारा कुछ जितना प्रोसेस है ना सारा कुछ वहीं से किए थे, जब भी मतलब हम लोग जैसे हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं तो ये भी मतलब सारा प्रोसेस वही था। और मतलब जैसे हम लोग का कितने भाइयों का जैसे बचपन से सपना होता है ना कि हाँ इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, मतलब बचपन से ही लेकर मतलब चलते हैं सब, लेकिन पता है मतलब शुरू से जैसे इनको नहीं था फौज का कि हाँ फौज में ही जाना है, पता है कब, जैसे जब हाई स्कूल में एडमिशन कर लिए वहाँ पर गए तो इनका NCC भी है, तो पता है क्या हुआ, जैसे सभी लोग मतलब अपना NCC का फॉर्म भर रहे थे, तो ये भी मतलब थोड़ा हट्टे कट्टे मुस्टंडे थे उधर जैसे उत्तराखंड में ना, थोड़ा इनका बॉडी ओडी था, तो इनको जैसे यन्नो देखा उधर के मतलब देखे सब, तो बोले सब कि मतलब आपका बॉडी बहुत अच्छा है आप जैसे NCC ज्वाइन कर लो, तो मतलब जैसे ऐसे ही NCC तो ज्वाइन कर लिए। और पता है धीरे धीरे NCC करते करते मतलब अंदर जैसे जुनून आ गया कि हाँ हमको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, फौजी बनना है। तो पता है क्या किए, जैसे वहाँ का जितने भी भाई थे सब, मतलब जितने लड़के थे सभी लोगों का सीनियर बन गए, इनको मतलब खुद से नहीं बने, इनके अंदर उतना काबिलियत था और उतना जुनून मतलब हो गया था ना कि हाँ इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो करना है, तो वहाँ के इन्होंने देखा कि हाँ मतलब बॉडी भी अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, तो मतलब इनको जैसे सीनियर भी बना दिया। और काफ़ी ज़्यादा दिन से यार मेहनत करते रहे NCC B में भी मतलब ए ग्रेड पा गए, और फिर मतलब पूरा अच्छे से मेहनत कर रहे थे जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं दौड़ते हैं, लेकिन पता है एक बात इनमें था, जैसे ये कभी नहीं सोचे ना कि मतलब अभी हम तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं होगा तो दूसरा कुछ देख लेंगे, ऐसा तो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। हमारे मतलब इनका घर जैसे उत्तराखंड है ना, तो यहाँ पर कभी आते थे हम लोग के साथ दौड़ते थे, तो हम लोग बोलते थे कि यार संदीप भाई आप मेहनत करते रहो, आपके पास NCC है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जिस तरह हम लोग सोचते हैं ना अभी सब लोग सोचते हैं, आप लोग भी सोचते हो यार पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उसी तरह ये भी मतलब थोड़ा सा मतलब हंस देते थे और बोलते थे पता नहीं यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, सेम कंडीशन जिस तरह हम लोग का रहता है ना वैसा ही इनका भी था। और पता है उत्तराखंड में जैसे दौड़ हुआ सारा कुछ क्लियर कर लिए, सब कुछ दौड़ और निकाल लिए, तो मेडिकल में अनफिट मतलब हो गए थे, भी मेडिकल मिला था, तो अभी फाइनली इनका मेडिकल भी हो चुका है यार। और पता है बहुत ज़्यादा मेहनत किया यार, जिस तरह हम लोग सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन के लिए दिन रात सोचते रहते हैं कि हाँ पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे ही मतलब सोचते थे, आज मतलब फाइनली इनका सब कुछ क्लियर हो चुका है, जैसे पेपर भी निकल चुका, मतलब मान लो पेपर तो देना ही नहीं है, अपना NCC C है तो अभी C में भी ए ग्रेड है, तो पेपर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मतलब कितने भाई सोचते होंगे सब कि NCC भी रहता है तो मतलब पेपर देना पड़ता है, जैसे उसमें ग्रेड रहता है तो पेपर नहीं देना पड़ता है, पता है NCC C में C ग्रेड रहता है ना, तो उसका कम चांस बनता है, लेकिन अपना संदीप भाई यार बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, ताकि आप लोग को खुद पता होगा कि जो NCC C में ए ग्रेड लाएगा वो मतलब कैसा मेहनत किया होगा, तो फाइनली सब कुछ आज इनका फिट हो चुका है और फाइनली इंडियन आर्मी आप लोग के सामने जो दिख रहे हैं, फाइनली इंडियन आर्मी बन चुके हैं, तो अब देखो कब तक ट्रेनिंग भेजते हैं सब। और बहुत अच्छा महसूस होता है यार जब मान लो जैसे कोई साथ का फौजी बनता है ना, बहुत पहले से साथ में हम लोग रहते थे, जैसे आपने यहाँ पर आते थे तो हमारे ग्राउंड पर कभी कभी आते थे, तो जैसे शुरू में तो परिचय नहीं था लेकिन धीरे धीरे परिचय हो गया, तो जब भी मतलब यहाँ पर आते थे तो हम लोगों से मिलते थे और बहुत अच्छा लगता था यार, और साथ में रनिंग भी करते थे, तो आज फाइनली फौजी भाई बैठे हैं, तो अब आएंगे ट्रेनिंग से तो सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना, ज़रूर मिलेंगे यार। मैं सोचा हूँ मतलब आज जा रहे थे जैसे अब अपने घर चले जाएंगे उत्तराखंड, और वहाँ से मान लो ट्रेनिंग में जाना रहेगा तो वहाँ से डेट देंगे सब, तो पता नहीं फिर मिल पाएंगे कि नहीं, तो मैं सोचा हूँ यादगार कुछ रख लिया जाए,
ताकि हम लोग याद करते रहेंगे कि हाँ हमारे संदीप भाई जो फौजी मतलब बन चुके हैं फाइनली, और हमारे साथ में ऐसे रनिंग करते थे, तो इसलिए मैं सोचा हूँ इनके साथ एक वीडियो बना लूँ। और आप लोग भगवान से प्रार्थना करना यार कि अपने फौजी भाई संदीप भाई का मतलब ट्रेनिंग अच्छे से बीत जाए और सारा कुछ मतलब ट्रेनिंग अच्छे से बिता कर हम लोगों के फिर बीच में आए। चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग भगवान से प्रार्थना जरूर करना, ठीक है ना। और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो गया यार, जैसे ये नहीं था ना इनको कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन मतलब ये कभी नहीं सोचे थे कि मैं इस फील्ड को छोड़कर इंडियन आर्मी को छोड़कर दूसरा तैयारी कर लूँगा, ऐसा नहीं सोचे थे। बस उसी में लगे रहे, मेहनत करते रहे मेहनत करते रहे, और सिलेक्शन हो गया यार, पता ही नहीं चला कब सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, बस आप लोग हिम्मत नहीं हारना और दूसरा कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना, बस इंडियन आर्मी सोचते रहना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। अभी भाई आएंगे अपने ट्रेनिंग से, तो मैं फिर दोबारा आप लोगों को मतलब वीडियो इनका जैसे साथ में बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग।